Hello everybody, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to customize this paper bag. So I have some announcements to make. First is मैं हिंदी बोलूँगी. मैं बहुत सारे crafting channels देखे, बट कोई भी हिंदी का नहीं देखा मैंने, तो इसलिए मैं हिंदी बोलूँगी. और मैं सोच रही हूँ मैं reliance paper bag क्यों लेके बैठी हूँ, क्योंकि इसको customize करने वाली हूँ. और तुमको पता है मेरा channel पूरा crafts पे है, मैं सिर्फ पेपर कुछ ही नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए. और मुझे क्राफ्टिंग जैसे कस्टमाइजिंग बहुत अच्छा लगता है. और तीसरा बात कि मैं वॉइस ओवर भी करूँगी जब मैं काम कर रही होंगी, तो फुल रहेगा बट फास्ट फॉरवर्ड में रहेगा. पहले क्या करती थी मैं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करती थी, बस नॉर्मल वीडियो रहता था उसमें मैं बोलती थी, बट आज मैं वॉइस ओवर करूँगी तो वॉइस डिफरेंट लग सकती है. ओके, यस. सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो, लेट्स गो. वॉइस ओवर करेगी तो हाँ, जो रिलायंस पेपर बैग था उसका जो एज था वो बहुत अनइवन था. हाँ, मैं दिखा नहीं पाई फ्रेम में, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बट हाँ इसलिए मैंने उसको काट दिया. मैं सोच रही थी क्या डिज़ाइन लूँ, और मैं अभी बताऊँगी नहीं. मैंने वो पेंट कर चेक किया था वहाँ पे एक्चुअली, तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं स्ट्रॉबेरीज करूँगी, फिर मैंने सोचा मैं वाटरमेलन करूँगी, तो फिर मैंने सोचा मैं रेनबो करूँगी. तो तुम लोग देखो मैंने कौन सा बनाया. तो पहले मैं पेंसिल से स्केच कर ले रही हूँ ताकि फिर मुझे इजी हो कलर करने में. एंड दिस टुक एटर्निटी, आई एम टेलिंग यू. दोनों साइड्स करने में इतना टाइम लगा कि मैंने बीच में दूध भी पी लिया कैमरा ऑफ में. और ये बना रही हूँ अरे इरेज की बना रही हूँ. फास्ट फॉरवर्ड में बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट एक्चुअल में बहुत लंबा था ये, काफ़ी ज़्यादा लंबा था. और ये बना रही हूँ. और फिर रेस करके बना रही हूँ. अंडे जैसे लग रहे होंगे, अभी अंडे नहीं है, बट दूसरा साइड में भी कर दिया मैंने. ये काला जो मैंने नीचे किया था बहुत बेकार लग रहा था, बट क्या करूँ, अब मैंने कर दिया था पेंट चेक. और फिर मैंने ग्रीन से जो नीचे का पार्ट होता है जो फ्रूट का मैं बना रही हूँ, वो मैंने कलर कर दिया फास्ट फॉरवर्ड में. इतना मस्त लग रहा है देखने में, एक्चुअली में इतना बेकार था ना, इतना टाइम लगा था. बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड में, तो जल्दी जल्दी कलर हो रहा है. फिर मैंने दोनों साइड्स के कर लिए, कैमरा में दिखाती थी बहुत टाइम लगता. और फिर इसका ये जो पार्ट था रेड वाला, इसको तो सच में एक घंटा लगा. मैंने टाइम नहीं किया, बट बहुत टाइम लगा करते. ये दिखा नहीं सकती थी मैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था. इसके बीच मैंने चाय भी बना ली, फिर इसके जो सीड्स थे वो बनाए. तो एक्चुअली क्या हुआ, जो ऊपर के इस पार्ट में जो सीड्स थे वो थोड़े से गड़बड़ हो गए, क्योंकि वो बड़े थे और जो नीचे के थे वो छोटे थे. तो फिर इसके बाद मैंने इसको लैमिनेट करना स्टार्ट कर दिया. टेप लिया थोड़ा सा ब्रॉड वाला जो मेरे पास हमेशा पेपर सुशी के लिए था, उससे मैं इसको लैमिनेट करने लग गई. हाँ, इसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ, बार बार निकाल रही थी. साइड से किया मैंने फिर, तो दूसरा साइड का. इसमें पता नहीं मैंने इतना सारा बाउंड्री क्यों छोड़ दिया. फिर कर रही हूँ. और अब मेरा बैग रेडी है. मैंने अपने जितने बनाने का शब्द से तो ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी जो भी था मैंने सबको शब्द दिया है. अब मैं इसको बनाती हूँ कैसे लगता है. पहले बहुत प्लेन था, थोड़ा कस्टमाइज है, और मैंने इसको जो टेप लगाया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लैमिनेट हो गया है. अब ये सामान लाने के लिए नहीं, गिफ्ट देने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा. मैं इसमें ज़रूर सामान तो नहीं लाऊँगी, ख़राब कर देंगी उन लोग मेरा ये. तो जैसे कुछ भी पेपर का है ना, ट्राई करो यार, मस्त लगता है. देखो खुद का कुछ ट्राई करके बनाओ, मस्त लगेगा. और ये जो मैंने टेप लगाया, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, बस मेरे पास था और मुझे लगा था कि बस लगा लेते ना है, तो इसलिए मैंने लगा लिया. इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल. सो नाउ मुझे लगता है कि मैं इसको मतलब बर्थडे पे कुछ देने के लिए यूज़ करने वाली हूँ. तो मेरे हिसाब से मेरे पास और दो आइडियाज़ हैं, तो मैं और दो बनाऊंगी और शायद एक और बन सकता है. कल मैं रिलायंस जाऊंगी और दो ऐसे पेपर बन लाऊंगी. एंड विल सी माय नेक्स्ट वीडियोस.
ब्रशेस। मैंने यहाँ का कलर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कलर बुक करना बहुत डिफिकल्ट होता कि देखो कैसे यहाँ पर कलर करना बहुत डिफिकल्ट होता, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया। आई लुक्स प्रीटी क्यूट। ये वाटरमेलन है, अगर अभी तक समझ नहीं आया तो इसके सीड्स ये वाले बड़े हैं, ये वाले छोटे, क्योंकि मैं जब ये बना रही थी तब बड़े वाले जब मैं बना रही थी तब मैंने अपनी मम्मा को दिखाया था, जब मैंने कैमरा ऑफ करके रखा था उन्होंने बोला थोड़े छोटे बनाओ, तो फिर मैंने छोटे छोटे बनाए। और गाइस अगर तुम्हें वाटरमेलन ट्राई करोगे ना प्लीज थोड़े छोटे वाटरमेलन बनाना। और दिस इज एक्चुअली जस्ट पोल्का डॉट पैटर्न, बट इंस्टेड ऑफ पोल्का डॉट्स दे आर वाटरमेलन। यस, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।